नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए आपको रूबरू कराते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार की अहम कैबिनेट मीटिंग हुई, इसमें 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मीटिंग में लैब असिस्टेंट भर्ती से जुड़ा अहम फैसला भी लिया गया है। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बोले कि यूपी में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने आज की कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। तो आपको बताते चले कि योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तो मीटिंग में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है योगी सरकार की इस बैठक में। आपको साथ ही बताते चले कि योगी के दूसरे कार्यकाल में ये योगी द्वारा की गई दूसरी बैठक है। इस बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं इससे पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, इसमें राशन की जो योजना थी उसे 3 महीने के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। वहीं अब दूसरी बैठक के दौरान कुल 14 प्रस्तावों को पारित किया गया है। लैब टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर प्रस्ताव पास। गोपन विभाग में अब अपर मुख्य सचिव का पद स्वीकृत हुआ। ग्रेटर नोएडा में आयुर्विज्ञान संस्थान को 56 एकड़ जमीन दी गई। पुलिस के लिए पिस्टल खरीदने की अनुमति दी गई। पर्यटन विभाग से भी प्रस्ताव पारित हुए। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में जल, नभ और थल तीनों को सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। उत्तराखंड के अलकनंदा गेस्ट हाउस की जमीन पर नया पर्यटन हाउस बनाया जाएगा। लैब टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर प्रस्ताव पास। गोपन विभाग में अब अपर मुख्य सचिव का पद स्वीकृत हुआ। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज योगी कार्यकाल की जो योगी का दूसरा कार्यकाल है उसको लेकर एक अहम बैठक हुई, तो उस बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए? देखिए, योगी कार्यकाल के दूसरा कार्यकाल जो शुरू हुआ है, उस कार्यकाल की दूसरी बैठक है। जो पहली बैठक हुई थी, मैं आपको बता दूं, सपर गृह के बारे में बैठक हुई थी, उस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया था कि जो उनकी मुख्यमंत्री राशन योजना है उसको बढ़ाया गया था 3 महीने के लिए। और आज दूसरी बैठक हुई है, निश्चित रूप से यहाँ पर बड़े बैठे बड़े अनुमान लगाए जा रहे थे कि बड़े फैसले यहाँ पर होंगे, और निश्चित रूप से बड़े फैसले हुए हैं। और जैसा बताया जा रहा है कि 25% जो हॉस्पिटलिटी के लिए पद हैं, लेवस्टन के पद हैं, उन पर जो है प्रमोशन के बाद भर्ती की जाएगी, और 75% जो पद हैं वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा पर्यटन विकास की बात करूँ तो पर्यटन विकास में तमाम बातें की है। लखनऊ, आगरा और प्रयागराज, मथुरा में भी वहाँ पर हेलीपोर्ट बनाने की बात चल रही है। रमाबाई अम्बेडकर मैदान है, वहाँ पर हेलीपोर्ट बनाने की बात चल रही है। तो निश्चित रूप से जो कैबिनेट बैठक हुई है, बड़े बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं, और साथ ही साथ तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो पर्यटन विकास से हो, चाहे हॉस्पिटल की संबंध हो, चाहे होमगार्ड से संबंधित योजना हो, और चाहे NCDS के संबंधित योजना हो, सब योजना में काम होगा, बेहतर तरह से इसको कैबिनेट किया जाएगा। गौरव, इस बैठक के दौरान कुल 14 प्रस्ताव पास किए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रस्ताव क्या रहा? तो अगर प्रस्ताव की बात करें तो यहाँ पर जो हेलीपैड की बात कर रहे हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कि 4 हेलीपैड बनाए जाएंगे, रमाबाई अम्बेडकर मैदान में वहाँ पर भी हेलीपैड बनाया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रस्ताव है वो है जो दिल्ली की जो NCDS है, NCDS की जो शाखा है उसको लखनऊ में लाने की बात की जा रही है। और निश्चित रूप से NCDS की जब शाखा लखनऊ में आएगी, तमाम तरह की विकास योजनाएं हैं उन पर सहयोग भी मिलेगा, और तमाम तरह की योजनाएं चलेंगी उन पर हम PPP मॉडल को आगे बढ़ा सकेंगे। गौरव, अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इनमें 25% जो है लोगों की भर्ती होगी, तो इससे स्वास्थ्य विभाग को कितना लाभ मिलेगा, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना सुधार होगा? नहीं, बिल्कुल सुधार होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार योगी सरकार के जो डिप्टी CM है ब्रजेश पाठक, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार तमाम हॉस्पिटलों में जा रहे हैं और ऐसे निरीक्षण भी कर रहे हैं, मरीज बन के पहुंच रहे हैं और जान रहे हैं जनता की समस्या क्या है। कल भी वो बाराबंकी गए थे, वहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया। तो निश्चित रूप से आप हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोरोना की चौथी लहर का आगमन हो चुका है और जैसे केसेज आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी वाला राज्य है, यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए हमारे पास जाँच की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। और निश्चित रूप से लैब असिस्टेंट जब होते ज्यादा होंगे, उनकी भर्ती होगी, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि जांच की जो सुविधा है वो बेहतर हो पाएगी और जल्दी रिजल्ट मिलेगा, तो जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू हो सकेगा। गौरव, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगी कि इस बैठक के दौरान पर्यटन के लिए कुल 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं और साथ ही हेलीपैड
हेलीपैड, नए हेलीपैड बनाने का भी ऐलान किया गया है। तो इससे क्या लगता है कि नए हेलीपैड बनने से पर्यटन विभाग में कितनी बढ़ोतरी होगी, यानी पर्यटन विभाग को हेलीपैड बनने से कितना फायदा होगा? गौरव, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है आपकी? मैं बता दूं उत्तराखंड की, जिस तरह से पर्यटन विभाग को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पास किए गए, हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, निश्चित रूप से पीपीपी मॉडल पे बने होंगे, और जिससे कि पर्यटन का विकास हो सकेगा, लोग हेलीकॉप्टर सेवा का भी आनंद लेंगे। मैं आपको बता दूं, अभी दो दिन पहले ही वाराणसी से अहमदाबाद की फ्लाइट भी शुरू हुई है। वाराणसी जो की यादव क्षेत्र के नाम से मशहूर है, वहां पर अब अहमदाबाद की फ्लाइट शुरू हुई है। तो निश्चित रूप से जो आने वाले समय है, वहां पर पर्यटन को बेहतर विकल्प रूप में शामिल करने में और बेहतर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, और पर्यटन विभाग को चार बड़े प्रस्ताव किए गए। धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, इस दौरान 14 प्रस्तावों को पास किया गया है। पर्यटन समेत स्वास्थ्य, तमाम ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें तमाम कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो आपको बताते चले कि योगी ने दूसरे कार्यकाल में क्या साफ कर दिया था कि वो 100 दिन के अंदर ही प्रदेश की छवि बदलेंगे। यही वजह है कि योगी सरकार ने सभी विभागों को 100 दिनों के लिए रोडमैप भी तैयार करने को कह दिया है। साथ ही लगातार योगी सरकार द्वारा इन सभी विभागों का प्रेजेंटेशन भी लिया जा रहा है। प्रदेश में अपराधियों और दंगाइयों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब शोभा यात्रा या किसी भी जुलूस को निकालने से पहले आयोजकों से शांति और सौहार्द कायम करने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सिर्फ उन्हीं धार्मिक जुलूसों को अनुमति दी जाएगी जो पारंपरिक हो, नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको बताते चले कि सीएम योगी अपने दूसरे कार्यकाल में एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। इसी दौरान सीएम योगी ने एक बड़ा फरमान जारी करते हुए कहा है कि अब बिना अनुमति के किसी भी शोभा यात्रा या कोई भी जो रोड पे यात्राएं निकाली जाती थी उसे नहीं निकालने दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको अब धार्मिक जुलूस या यात्राएं निकालनी है तो उसके लिए आपको पहले अनुमति लेनी होगी, और जो पारंपरिक यात्राएं निकलती थी सिर्फ उन्हीं को ही निकालने की परमिशन दी जाएगी, जबकि नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बताते चले कि हनुमान जयंती और रामनवमी के मौके पर देश के कई जगहों से ऐसी खबरें आई थी कि जहां पे हिंदू मुसलमान के बीच आपस में विवाद देखने को मिला था, जहां हिंसा की खबरें सामने आई थी। फिलहाल यूपी से अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। यही वजह है कि योगी सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर आ चुके हैं और उन्होंने आदेश जारी भी कर दिया है। सीएम योगी का नया फरमान, दंगाइयों के खिलाफ सीएम सख्त। पुलिस को सीएम योगी का सख्त निर्देश। बिना मंजूरी शोभा यात्रा और जुलूस पर प्रतिबंध। अब देना होगा शपथ पत्र। सीएम योगी का नया फरमान। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, अगर बात करी जाए तो बीते दिनों रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश और प्रदेश से तमाम ऐसी खबरें सामने आई थी जहां पर हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद देखने को मिला था, तो सीएम योगी के इस फैसले का कितना असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही फैसला है इस समय, क्योंकि अगर पुराना कार्यकाल की बात करें तो पिछला कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ था, और इस कार्यकाल में वो पहले से ज़्यादा सजग हैं। लगातार उन्होंने एजेंडा बना रहे हैं, छः महीने का रोडमैप बनाया है, एक साल का रोडमैप बनाया, तो इनका जो कार्यकाल है इस बार का वो निश्चित रूप से बहुत अलग है, बहुत सक्रिय है, बहुत सजग है। तो निश्चित रूप से इस तरह से अभी हाल में ही हमने देखा है कि हनुमान जयंती और रामनवमी पर हिंसा हुई थी। अगर खरगोन की बात करें, खरगोन में भी हिंसा हुई थी, उत्तराखंड की बात करें हरिद्वार में हिंसा हुई थी, गोवा में हिंसा हुई थी, राजस्थान में हिंसा हुई थी, दिल्ली में जो अभी हाल में जागरपुरी में हिंसा हुई, निश्चित रूप से एक सबक लेने वाला है। और सबक लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय लिया है कि कोई भी धार्मिक यात्रा या जुलूस आयोजित नहीं किए जाएंगे, और अगर आयोजित होते हैं तो उनके आयोजक से शपथ पत्र लेना होगा कि आपके आयोजन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पर कोई टिप्पणी ना हो, इस तरह की जो
बातें हो रही हैं, लड़ाई हो रही है, पथराव हो रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ ना हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो पारंपरिक जुलूस हैं वो पारंपरिक जुलूस निकलते रहेंगे, उनके लिए कोई मनाही नहीं है, पर साथ ही साथ विशेष सजग करना और बिना अनुमति कोई भी नया आयोजन, नई शोभा यात्रा, नया जुलूस नहीं निकाला जाएगा। और अगर निकालते भी है तो उसके लिए आयोजकों को इस शपथ पत्र देना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है अनावश्यक रूप से जुलूस न निकाला जाए, अगर बहुत जरूरी ना हो तो जुलूस निकालने की अनुमति ना दी जाए। गौरव, सीएम योगी ने जो ये नया फरमान जारी किया है कि आपको किसी भी रोड शो या किसी भी तरह शोभा यात्रा और जुलूस से पहले एक शपथ पत्र देना होगा, तो किससे लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी किसी पैमाने होते हैं, इसके लिए आपको पुलिस में जाना पड़ेगा, वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी, इसके आपको कलेक्ट्रेट जाना पड़ेगा, वहां से अनुमति लेनी होगी। और जब वहां से अनुमति आपको मिल जाएगी और जब आपको जुलूस आयोजन होता है तो बाकायदा पुलिस फोर्स मुहैया कराई जाती है, पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, कोई अपनी घटना ना घटे। और निश्चित रूप से जब आप अनुमति लेंगे तो आपके लिए व्यवस्था सरकार करके देगी, पर उसके लिए भी आपको शपथ पत्र देना होगा। और अनावश्यक जुलूस निकालने की अनुमति यहाँ पर नहीं मिलेगी, पारंपरिक जुलूस निकाले जा सकेंगे। और निश्चित रूप से ये बहुत बेहतर कदम है कि जिस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो घटनाओं की सुनने की आ रही है, किससे आ रहे हैं, अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से सौहार्द को बिगाड़ने की दिक्कतें हो रही हैं, सौहार्द बिगड़ सकता है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बड़े यहाँ बड़े वाला राज्य है और यहाँ पर जो मुस्लिम धर्म है, अल्पसंख्यक धर्म है, वो भी काफी बड़ी संख्या में, तो यहाँ पर एक बेहतर पहल है और ये सकारात्मक कदम कराया जाएगा इस समय। यानी कि गौरव, ये कहा जाए कि सीएम योगी ने बाकी राज्यों से सीख लेकर पहले ही ऐसा कानून ला दिया है, यानी पहले ही ऐसा एक घोषणा कर दी है जिससे लोगों को पहले परमिशन लेनी पड़े, यानी कि प्रदेश में कोई भी दंगा ना हो सके। नहीं, अगर इसके बात करें तो योगी सरकार का पहला कार्यकाल ही बिना दंगा के रहा, कोई ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ, कोई अपनी घटना नहीं घटी, पूरी जो प्रशासन व्यवस्था रही पूरी चाक चौबंद रही, इस तरह की कोई घटना तब भी नहीं आई थी। और इसी तरह दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है पर माना जा रहा है जिस तरह से अन्य राज्यों में घटना हुई है, तो एक सबक भी लेना है और साथ ही साथ एक उदाहरण के तौर पर लेते हुए अभी यहाँ पर फैसला लेना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी वाला राज्य है और अगर यहाँ पर कोई अपनी घटना घटी है तो उसका प्रभाव बड़े पैमाने पर होता है। गौरव, ये फैसला कितना जरूरी था प्रदेश के लिए जो सीएम योगी द्वारा ये आदेश दिया गया है? बिल्कुल, बहुत जरूरी था, इस समय बहुत जरूरी, क्योंकि लगातार अभी हम देख रहे हैं त्यौहार का मौसम भी आ रहा है और अभी ईद है और ईद के बाद भी वहाँ जुलूस निकलते रहते हैं, पारंपरिक जुलूस के निकलते हैं, तमाम तरह के प्रोग्राम है यहाँ पर होते रहते हैं, धार्मिक यात्रा, उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी वाला राज्य है तो धार्मिक आयोजन यहाँ होते रहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़े मंगल अवध क्षेत्र में बड़ा मंगल की शुरुआत भी होती है, बड़े मंगल को भी बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस तरह के आयोजनों को अगर आप शपथ पत्र देंगे तो उसकी जिम्मेदारी रहेगी, साथ ही साथ आप जब उनको शपथ पत्र देंगे और उनसे मुहैया कराएंगे सुरक्षा की बात करेंगे तो पूरी सुरक्षा ही मुहैया कराएगी, उस जो भी आपके कार्यक्रम रहेंगे, आयोजन रहेंगे, वो सफलतापूर्वक पूरी सुरक्षा में आराम से हो सकेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर बेहतर कदम है, क्योंकि अगर आप बेहतर करते हैं और सही निर्णय लेते हैं और सकारात्मक निर्णय लेते हैं, उससे जो व्यवस्था रहती है, कानून व्यवस्था रहती है, वो भी बेहतर रहती है और साथ ही साथ जो समाज है उसमें सौहार्द का माहौल बना रहता है। धन्यवाद गौरव श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम योगी ने एक बड़ा जनादेश जारी करते हुए कहा कि अब अगर प्रदेश में किसी भी तरह की शोभा यात्रा या जुलूस अगर लोगों को निकालना होगा तो उससे पहले एक शपथ पत्र देना होगा, यानी कि पहले कोई भी तरह का रोड शो या शोभा यात्रा करने के पहले अब लोगों को शपथ पत्र देना होगा, उसके बाद ही उनको परमिशन मिलेगी कि वो शोभा यात्रा निकाल सके। पूर्वी पाकिस्तान से 50 साल पहले आए निर्वासित हिंदू परिवारों को अब उत्तर प्रदेश में खेती की जमीन और मकान के लिए सौगात मिली है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परिवारों को पुनर्वास प्रमाण पत्र बांटे और कहा कि पहले की सरकारें इन हिंदू रिफ्यूजियों को लेकर संवेदनहीन बनी रही, लेकिन हमने मानवता की मिसाल पेश कर इन्हें पुनर्वसित करने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने इन परिवारों को पट्टे बांधते हुए ये भी कहा कि इन्हें सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा, यानी कि 63 परिवारों को आखिरकार न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी ने इनको एक बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन परिवारों को पुनर्वास प्रमाण पत्र बांटते हुए कहा कि पहले की सरकार इन हिंदी रिफ्यूजियों को लेकर संवेदनहीन बनी रही, लेकिन भाजपा सरकार ने मानवता की एक मिसाल पेश की है और इनको पुनर्वास करने का काम किया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को सौगात भी दी है, इन परिवारों को पट्टे बांधा भी है, यानी कि पट्टे बांधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन्हें सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा।
तो एक लंबी लड़ाई के बाद इनको न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, एक लंबी लड़ाई के बाद लोगों को आखिर जीत मिली है, तो लोगों में कितनी खुशी देखने को मिली, इन 63 हिंदू परिवारों को कितनी खुशी है? की तरफ से पूर्वी पाकिस्तान यानी कि साल से भारत थे और 63 परिवार को आज शौचालय एवं जो आवास होता है, साथ ही साथ सरकारी जो भी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे केंद्र सरकार चाहे प्रदेश सरकार, उससे उन्हें नवाय उनको देते हुए और उनको राहत की सांस दी है। और इसी पे आपको बता दें कि उन परिवारों का साफ तौर पे आज उन्हें स्थापना भारत के अंदर में एक नागरिक के तौर पे और साथ ही साथ उनको पुनर्वास की योजना के तहत उन्हें जब उन्हें घर और तमाम सुविधाएं दी गई तो उनके अंदर से एक आंसू साफ तौर पे देख रहे थे। और वहीं आपको बता दें कि वहीं ब्रिजेश पाठक ने मुख्यमंत्री वहां मौजूद ब्रिजेश पाठक ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री आज बंगाल से आए इस हिंदू परिवार को पुनर्वास देकर कहीं ना कहीं इनको राहत दी है। आपको बता दें कि इन 63 परिवारों से अगर देखा जाए तो 400 की आबादी को कहीं ना कहीं लाभ मिला है। उन 63 परिवार से लगभग 400 लोगों का 63 परिवारों में 400 लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सभी परिवार के सदस्यों के लिए आज इन सालों से दशकों से वो जो न भारत के थे ना ही वो बांग्लादेश के जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था ना उसके थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आज राहत की सांस है, उनके लिए होली और दिवाली जैसा आज है। विभांशु, इस दौरान लोगों के मुंह पर मास्क लगाए दिखे लेकिन उनके चेहरों पर उनकी आंखों पर खुशी भी देखने को मिली कि आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद एक लंबी जंग के बाद उन्हें आखिरकार उनका हक मिल गया। आप वहाँ विजुअल्स में देख सकते हैं कि इन परिवारों को जब पुनर्वास योजना से जोड़ कर इन्हें 63 परिवारों को तमाम वो सुविधाएं दी गई जो आम नागरिकों को मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे मास्क लगाने के बावजूद आप आंखों में नमी से बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं खुशी उनके चेहरे पे, जो सालों से उन्हें इंतजार था और तमाम सरकारें आई तमाम सरकारें गई मगर उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। और आपको बता दें कि CA NRC के दौरान भी ये ऐसे कई सारे परिवार नागरिकता मांगते हुए दिखे जो हिंदू परिवार थे जो पलायन करके सालों पहले भारत के अंदर में आए थे, उसी कड़ी में आज इन 63 परिवारों को जो पुनर्वास की योजना के तहत इन्हें भारत के अंदर में स्थापित करने के साथ ही साथ प्रदेश के जो तमाम योजनाएं हैं केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिसमें उन्हें घर शौचालय एवं राशन संबंधित तमाम जो योजनाओं को उन्हें लाभ दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो परिवार और राहत की सांस लेते हुए दिख रहा है। और इनसे जुड़े लगभग 400 आबादी इन 63 परिवारों से जो है तो उनके लिए आज बड़ी बेहद खुशी के दिन है। जी विभांशु, 1970 से लेकर 2022 ये साल गुजारना आसान नहीं था, लेकिन क्या वजह रही जो बीती सरकारों ने इनकी अनदेखी की? जी बेशक, अगर देखें तो तमाम ऐसे योगी सरकार की तरफ से फैसले जिसमें आप पिछली सरकार में देखी कि वन टांगिया जिनका कहीं घर नहीं था, जंगल ही उनका घर हुआ करता था, तो उनके द्वारा योगी आदित्यनाथ उन्हें घर देते हैं और उन्हें एक समाज के बेहतर समाज के निर्माण का एक परिचय देते हुए गोरखपुर के वन टांगियों को उन्हें निवास दिया था। उसी कड़ी में दूसरी सरकार के महज एक महीने के अंदर ही जो पलायन करके बांग्लादेश से तत्कालीन बांग्लादेश और पूर्व में जब वो आए तो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो वहां से आए इन शरणार्थियों को आज जब उन्हें आवास एवं तमाम सुविधाएं दी, तो कहीं ना कहीं अब देखें तो इससे विपक्ष के जो तमाम लोग नेता हैं तो उनके मुंह पे एक आज उनके सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी अनदेखियों के वजह से ये लोग आज तक भारत के पूर्ण रूप से नागरिक नहीं हो पाए थे, तो कहीं ना कहीं इस पे सवाल के घेरे विपक्ष पे खड़ा होता है और पूर्व की सरकारों पे खड़ा होता है। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा की सरकार रही है, बसपा की भी रही है, RLD की भी रही है, वही कांग्रेस की रही है, वही अगर देखा जाए तो इन तमाम पार्टियों और भाजपा की पिछली सरकारों में भी इस तरह के फैसले नहीं लिए गए मगर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये एक बेहतर फैसला लेते हुए इन हिंदू से बंगाली शरणार्थियों को जो भारत के अंदर में स्थापित कर नई योजनाओं से जोड़ने का काम किया, तो कहीं ना कहीं इन परिवार के लिए आज बेहतर खुशी का पल है और तमाम जो पूर्व में सरकार रही है उनके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। जी मुस्कान। विभांशु, इस कार्यक्रम के दौरान जो 63 हिंदू परिवार है इनको और क्या क्या सौगातें CM योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई, साथ इनको पट्टे के लिए जमीन भी दी गई है, तो ये जमीन कहाँ दी गई है?
जी आपको बता दें कि ये जमीन पट्टे की दी गई है और ये यहाँ जहाँ भी रहते हैं वहाँ सरकारी जमीन जो भी ऐसी जमीनें होंगी जो पट्टे पे दिए जाने लायक होंगी वो इन्हें रजिस्ट्रार एवं तमाम विभागों के द्वारा अब उन्हें आरक्षित की जाएंगी। उस जमीनों पे वो घर बना सकेंगे, अपना जीवन बसर कर सकेंगे। साथ ही साथ इनको केंद्र एवं राज्य सरकार की तमाम योजनाएं, चाहे बात की जाए राशन योजना की, चाहे बात की जाए शौचालय योजना की, चाहे बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना की, जो भी सरकार की तरफ योजनाएं चलाई जा रही है उसका इन्हें सीधे लाभ अब मिलेगा। और अब देखें तो ये पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक हो गए हैं। कहीं ना कहीं इनके पास ये किराए की मकानों या स्थायी मकानों में रहते थे, तो ये अब पूर्ण रूप से अपने आप को भारतीय महसूस करेंगे। और ये सरकार से जो इनके सवाल थे कि इतने सालों के रहने के बाद भी हमारी मान्यता भारतीय और हमारे लिए क्यों नहीं कोई सरकार सोचती है, तो उनके लिए आज बेहतर, आज खुशी का दिन है, आज उन्हें लिए उनके लिए होली दिवाली पर्व जैसा आज का दिन होगा। यानी कि विभांशों का देखा जाए तो भाजपा द्वारा उठाए गए इस कदम से जो अन्य रेफ्यूजी है उनमें भी एक आस की उम्मीद जग गई है कि हो सकता है उन्हें भी उनका हक दिया जाए। जी बेशक, अगर देखा जाए तो ऐसे तमाम देश भर में रिफ्यूजी है जो अन्य देशों से आकर भारत के अंदर में रह रहे हैं वो, और खास करके बात करें तो जो हिंदू परिवार है वो तमाम देशों से आए हैं, चाहे बात की जाए पाकिस्तान से, चाहे बात की जाए अफगानिस्तान से, वो सालों से रह रहे हैं। और अगर देखा जाए तो वो अपना देश मान बैठे हैं भारत को, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी आशा अपेक्षाएं उनकी बढ़ गई है योगी सरकार एवं केंद्र सरकार से कि उन्हें भी इस तरह के सुचारू व्यवस्था का उन्हें लाभ मिले और उन्हें भी वो सम्मान मिले जो आज इन तिरसठ परिवार को मिला है, तो उनकी भी आशा अपेक्षाएं बढ़ गई। और हो सकता है कि आगे की जो आगे के जो काम हो उसमें इन परिवारों के बारे में भी सरकार सोचे जो सालों पहले भारत के अंदर में आकर और अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद दिपांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम योगी ने एक बार रिफ्यूजियों को आज देते हुए एक बड़ा आज एक फैसला लिया, जहां 63 हिंदू परिवारों को सीएम योगी द्वारा सौगात दी गई है। कोरोना का बढ़ता ग्राफ अब देश भर में टेंशन बढ़ा रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1245 नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन 928 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 107 मामले सामने आए, इनमें 33 बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल नोएडा में 411 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं, जहां दिल्ली में सोमवार को 24 घंटे में कोरोना के 501 केस मिले हैं। तो आपको बताते चले कि जहां कोरोना की रफ्तार एक तरफ धीमी पड़ती हुई बीते दिनों नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कोरोना के मरीज पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, लगातार गाजियाबाद से सटे दिल्ली और नोएडा में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, तो बीते 24 घंटों में और कितने अन्य कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं? देखिए, आपको बता दूं, लगातार जिस तरह से गाजियाबाद समेत एनसीआर में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली खबर है। आपको बता दूं कि लगातार 24 घंटों के अंदर में लगातार बच्चों में ज्यादातर संक्रमण कोरोना के पॉजिटिव मामले देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें नोएडा की और दिल्ली की, तो दिल्ली में एक समय था जो कोविड-19 के समय में जब दिल्ली काफी संख्या में उभर कर सामने आया था, वो दौर भी लोगों ने देखा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब जो इस समय पर ये जो चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें अगर ये चौथी लहर अगर कहीं अपने पांव पसारती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी त्रासदी सामने आएगी सभी लोगों के ऊपर, क्योंकि 2019 की बात करें तो 2019 से लेकर 2021-22 यहाँ तक लोगों ने काफी समस्याएं देखी हैं और कहीं ना कहीं पलायन भी हुए हैं लोग भर। आपने वो दौर भी देखा सड़कों पे जिस तरह से लोग पैदल अपने गणतंत्र के लिए गए थे, कहीं ना कहीं ये जो कोरोना के मामले इस समय जो बढ़ रहे हैं ये काफी चौंकाने वाले और काफी भयावक नजर आ रहे हैं। जी प्रवीण, अगर देखा जाए तो देश भर में कोरोना के नए वेरियंट XEN की बात सामने आ रही है, तो अभी तक जो मरीज मिले हैं इनमें कोरोना के कौन से वेरियंट देखने को मिले?
देखिए अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में हमारी सीएमओ से डायरेक्ट लगातार बात चल रही है इन मामलों को लेकर कोरोना को, लेकिन कहीं ना कहीं गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में अभी जो बात करें अगर गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में अभी कोई नए वेरिएंट की कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ गाजियाबाद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, धारा 144 लागू कर दी गई है और खासतौर पर जितने भी बाजार है जैसे की काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पर खासतौर पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। और बात करें स्कूल की, तो स्कूल में इस समय पर जितनी भी क्लासेस बच्चों की लेकर चल रही है वो ऑनलाइन कर दी गई है, कोई भी क्लास इस समय पर स्कूल द्वारा नहीं कराई जा रही है जिन स्कूलों में खास तौर पर बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जी लगातार जो गाजियाबाद में है कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो प्रशासन कितने अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग कितना एक्टिव है? देखिए खासतौर पे बता दूं हमने भी आज रिपोर्टिंग भी की है वहां से, आज कवरेज की है काफी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां से भी हमने कुछ तस्वीरें भेजी हैं प्राइम टीवी को, लेकिन खासतौर पे देखने को मिला है अभी भी लोग कहीं ना कहीं जो उनको कोरोना के मामलों को लेकर कहीं ना कहीं वो लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, लेकिन ये चीज खासतौर पर उन लोगों को जान लेनी चाहिए कि वो दौर भी लोगों ने देखा है जिस समय पर घर में राशन नहीं था, जलाने के लिए शमशान में लकड़ियां मौजूद नहीं थी, लाशें लगातार काफी संख्या में कोविड मरीज निकल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर वो जागरूक नहीं होते हैं तो ये चौथी लहर मान लीजिए कि 100% आने की पूरी संभावना बन सकती है। जी धन्यवाद प्रवीण मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश भर में कोरोना के लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोगों में टेंशन भी अब बढ़ने लगी है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो